गाइस ऑल टेक अपडेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या गाइस आप सबको ये पता है कि रियलमी कंपनी अपना एक बजट स्मार्टफोन लाने वाली है जिसका नाम है रियलमी C11। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी C11 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्राइस के बारे में और ये फोन जो है कब लॉन्च होगा इसके बारे में। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं रियलमी C11 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि रियलमी C11 का जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस फ़ोन में जो है आपको 6.5 इंच की HD+ नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको रियलमी C3 में देखने को मिलता था। सेम वही लुक जो है फ्रंट का आपको रियलमी C11 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन बैक का जो पोर्शन है वो बहुत ही चेंज कर दिया है। आपको जो है बैक का जो पहले जो कैमरा एकदम सीरियल वाइज देखने को मिलता था रियलमी के सारे फ़ोन्स में, जैसे आप क्वाड कैमरे का सेटअप देखोगे तो एकदम सीधा देखने को मिलता था, अब जो है उसको चौकोर कर दिया है। आप Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max अगर आपने देखा होगा तो सेम वही कैमरा जो है जो लुक है वही आपको रियलमी C11 में भी बैक पर देखने को मिलेगा। अब बैक की जो बॉडी है वो आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस फोन के जो है प्रोसेसर के बारे में। तो गाइज रियलमी C11 में आपको एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि अभी तक किसी भी फ़ोन में नहीं आया है। इस फ़ोन में जो है आपको हेलियो G35 का लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आप ऐसे समझ लो कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोसेसर होगा जो आपको रियलमी कंपनी दे रही है अपने C11 में। अब अगर इसके कैमरे क्वालिटी की बात करें तो गाइस इस फ़ोन में जो है जैसा लीक निकल करके सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इस फ़ोन में जो है आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट का जो है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अब अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें गाइस तो इस फ़ोन में जो है आपको एक लॉन्ग लास्टिंग 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको C3 में देखने को मिल रही थी सेम वही चीज़ जो है आपको C11 में भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइज इस फ़ोन के प्राइस की। तो गाइज आपको पता होगा कि रियलमी C3 और C2 दोनों ही एक बजट स्मार्टफोन थे जिसके स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे थे और ये दोनों फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस थे। आप 7 to 9000 के रेंज में अगर आप इन दोनों फ़ोन को देखोगे तो आपको कोई और फ़ोन जो है पसंद नहीं आएगा। तो गाइज इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी रियलमी C11 की भी प्राइस जो है आपको 6500 से लेकर के 7000 के बीच में रहेगी और इस प्राइस में जो है ये इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपको ये जब भी लॉन्च होगा तो आप जो है इस फ़ोन को एक बार ज़रूर ध्यान में देना, क्योंकि ये फ़ोन जो है 7000 के रेंज में लॉन्च होगा और इस फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप एक बार इस फ़ोन को ज़रूर देखना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये फ़ोन कब लॉन्च होगा। तो गाइज ये फ़ोन जो है अभी इस मंथ तो नहीं लेकिन नेक्स्ट मंथ के जो है लास्ट में आपको 25 जुलाई या फिर 30 जुलाई के बीच में जो है ये फ़ोन आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा और ये फ़ोन जो है एक बजट फ़ोन रहेगा। तो आप इस वीडियो में ज़रूर मुझे बताना कि ये फ़ोन आपको कैसा लगेगा और इस आपका जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे ज़रूर शेयर करना कि ये फ़ोन आपको कैसा लग रहा है और ये इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस क्या प्राइस वाइज बेस्ट हैं, 7000 के रेंज में क्या इस फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अच्छे हैं या नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।